अगर ऐसा है तो हम अखिलेश कश्यप जी को भी एक बात कहेंगे कि देखिए अखिलेश भैया, एक चीज सुन लीजिए कि अगर आप गायकी क्षेत्र से लिखते हैं, अगर आपका लिखा हुआ पे कोई अगर किसी इधर उधर कुछ करता है, आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? विवाद में आप प्रमोद प्रेमी को किस नजरिए से देखते हैं, क्या वो गलत है या फिर सही है? प्रमोद प्रेमी जिस तरह से गाना गाए हैं, गाना तो चर्चा में है, तो भैया कोई विवाद नहीं मानते हैं लोग जो है मैदान में उतर के सीधे उसकी माँ बहन को गाली दे रहे हैं, क्या उनकी किसी की माँ बहन को गाली देना सही है? क्या दिल के केकर माई के गाली दिल को बोलिए कि भैया जब हम यही जानते हैं कि मार होता कुछ होता तो भैया बक्सर के एसपी साहब भी जाते हैं। अजीब बात हो, समीर चौधरी डट के बोलता जी। पूरी का जो प्यार है ना वो बहुत ई वाला हो, खपा अंदर वाला हो। हाँ। समझे ना, हाँ, दूसरा बिनिंग मत निकालना, दम ई वाला डीपली वाला कह रहे हैं। हाँ। करते हैं, अन्यथा समीर चौधरी बहुत जल जाएगा जनता दरबार, हम जब नीतीश कुमार के पास आ जाएगा पूरा बेवड़ा खोल देबो कि भोजपुरी या तो बंद कर दीजिए ना तो कुछ लोगों पे दम यहाँ लगा दीजिए बैंड। अभी हम एक चीज तो बहुत हमारा गुस्सा बढ़ी तो भाई, जो स्ट्राइक मारामारी के चक्कर चलित हो ना ओकरा लगी समीर चौधरी पॉइंट में मुता देगा। याद रखिएगा जो भी ऐसा घटना कर रहे हैं, ये भाई को अगर दो रोटी आप खिलाने के औकात नहीं है तो इसको दो रोटी छीनने का भी आपको औकात नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मान लीजिए आप किसी का विवाद चला देते हैं, निगेटिव चलाते हैं, धर्म दम नहीं है अगला से बतियाबे के, बतियाइए ना अगला से है, तो आप क्या करते हैं कि एकर भाई मारवा देते चैनल पर स्ट्राइक, ये बेचारा गिर जाएगा। यही नहीं, ऐसे तमाम यूट्यूबर भाई को हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, बता दे रहे हैं कि स्ट्राइक वाला झंझट हटाइए, अन्यथा अतीक अहमद वाला हाल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बेरोजगार हो जाएगा ये तो क्या करेगा, फिर बेरोजगार होने के बाद उग्रवादी ना बन जाएगा यार। हाँ, तुम देखेगा कि इतना मेरा सब्सक्राइबर फॉलोवर था गिरा दिया, अब वो रखेगा उठावेगा 3000 कट्टा लेके जाएगा सटा कर टपका देगा जी, चल जाओ हाथी गांड में बचा वाला कोई नहीं आएगा, दांतियार के हीरो बन जाओगे। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है राज, हमारे साथ समीर चौधरी जी है। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री राम भाई, ये बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में जो हो रहा है क्या ऐसा होना चाहिए? पूरा जंग छिड़ा हुआ है, पूरा एकदम लड़ाई हो रहा है, एकदम रोडे पे एकदम लोग उतर जा रहे हैं, माँ बहन का गाली दे रहे हैं। कौन कर रहा है आपको नहीं जानकारी है? बताओगे तब ना भाई जानेंगे। कुछ लोग तो हमरे बोल रहा है कि गया था प्रमोद प्रेमी से मिले तो लड़ाई लगवा दिल को। हाय रे बप्पा, तू नहीं अपना नियर समझ रहा हमारा की रे। समीर चौधरी जहाँ भी जाता है ना तो लड़ाई को शांत करने का काम करता है। हाँ। यही मैटर तुम बोल रहा है? हाँ, प्रमोद प्रेमी के पूरा आदमी जो है उतर चुके हैं, बक्सर पहुंच गए हैं, 4 घंटा एकदम भीड़ जाम से। सुन लीजिए, इसके लिए समीर चौधरी प्रशासन से एसपी महोदय से विनती करते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो गंद मच रहा है, एगो बोलते हैं कि हमारा हियाँ आके मिल लो, एगो बोलता है हमारा हियाँ आके मिल लो, तो अगर मान लीजिए खुदा ना खासते प्रमोद प्रेमी को कोई क्वार्टर फैन मिल जाए ऐसा और धराम धराम दो चार को गोली दे के दाग देवे। हाँ। या फिर अखिलेश कश्यप जी के कोई कट्टर ऐसा भाई मिल जाए जो धराम धराम कर देवे, तो इससे सबसे ज़्यादा क्षति केकरा पहुँचेगा, सबसे ज़्यादा बदनामी केकर हो तो हमारे बिहार के प्रशासन के, हमारे बिहार सरकार के या भोजपुरी समाज के, नहीं होगा? एकदम होगा। जबकि आप लोग अगर अब सीनियर हैं, अब जैसे कि मान लीजिए अखिलेश कश्यप जी कह रहे हैं कि हमारे भैया गाना तो 5 साल पहले के हलो, तो जब 5 साल पहले गाना था तो आप काहे नहीं लिख दिए? आपको लिखना चाहिए था। और जिस तरह से बोले हैं प्रमोद प्रेमी जी, इसके लिए तो हम भैया सलाम कर रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत अच्छा बोला कि मान लीजिए किसी भी कलाकारों का गाना आता, वो छोटा हो बड़ा हो, अगर एक दूसरे का अगर सपोर्ट कर दे आदमी कि आज भैया खेसारी लाल का गाना आलबा अब बहुत अच्छा लगा है, एगो पोस्ट करने में पैसा नहीं लगता है, उससे क्या होगा ना कि जितना खेसारी के चाहने वाले लोग होंगे ना वो आपको भी चाहने लगेंगे। तो ये प्रमोद प्रेमी जी का कहा हुआ जो हम आपको कह रहे हैं, तो यही प्रमोद प्रेमी जी के ऊपर भी लागू होता है। क्या मान लीजिए गुंजन सिंह के वो गाना आता है, मान लीजिए पवन सिंह जी के वो गाना आता है, तो आप लोग लिखिएगा था ना। अब टुनटुन भाई के भी जन्मदिन है बच्चा के, क्या को लिखा है, क्या को लिखा है, लिखा है कोई नहीं लिखा, जरलावन सब आरस भेज जरलावन हो यार। अच्छा भैया यही बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं होता है, लोग एक दूसरे से मिल कर रहते हैं, हमेशा भोजपुरी में लड़ाई काहे होता है, एकदम मैदाने में उतर जाते हैं लोग? देखिए एक बात बता देते हैं, भोजपुरी का जो प्यार है ना वो बहुत ई वाला हो, एकदम खपा अंदर वाला हो, समझे ना, हाँ, दूसरा बिनिंग मत निकालना, दम ई वाला डीपली वाला कह रहे हैं। हाँ। अब उसमें मान लीजिए कि बर्तन अगर गिरता है ना तो बड़ी कस के आवाज करता है, ढान ढूंढ ढूम ढाम हो रहा, तो इस चक्कर में जितने भी छोटे कलाकार हैं, जितने भी भाई लोग हैं, वो लोग क्या सीख रहे हैं, ये ना सीख रहे हैं, जबकि हमारे नज़र में ये कोई लड़ाई नहीं है, कोई विवाद नहीं है जी। आप इसको लड़ाई या कोई विवाद नहीं मानते हैं ना? लोग जो है मैदान में उतर के सीधे उसकी माँ बहन को गाली दे रहे हैं, क्या उनकी किसी की माँ बहन को गाली देना सही है? क्या दिल के केकर माई के गाली दिल को बोल। प्रमोद प्रेमी यादव के साथ जो उनके जो टीम मेंबर है वो जाकर बक्सर में पूरा रोड पे उतर जाते हैं, उनके माँ बहन का गाली देते हैं, अखिलेश कश्यप के कहते हैं तुम मिलेगा तो तुरा मारेंगे, हई कर देंगे, हऊ कर देंगे, माँ का एकदम गंदा गंदा गाली देते हैं, क्या ये करना सही है? प्रमोद प्रेमी जी के आदमी बोलता है जी, के बोला भाई प्रमोद प्रेमी जी 500 पूरा आदमी अपना भेज लेते हैं अखिलेश कश्यप को मारने के लिए। अब मान लीजिए कि भैया जब हम यही जानते हैं कि मार होता कुछ होता तो भैया बक्सर के एसपी साहब भी जाते हैं। अजीब बात हो, समीर चौधरी डट के बोलता है जी, खुदा ना खास्ते कुछ हो जाता है वहाँ, जबकि सोशल मीडिया पर जब आता है ना तो सबसे पहले हमारे प्रशासन ने देखता है कोई चीज़, समझे कि नहीं, और उसमें अगर प्रशासन एक्टिव नहीं है, अगर अगले को आप बोल के नहीं चुप करा सकते हैं, या फिर एगो नोटिफिकेशन डाल दीजिए,
कि आपके इस वीडियो को देखा गया है, आपातकालीन ऐसा ऐसा है, अभद्रता मटाने जी, तो ऐसा होना चाहिए, हम विनती करते हैं। अन्यथा समीर चौधरी बहुत जल जाएगा जनता दरबार, हम जब नीतीश कुमार के पास आ जाएगा पूरा बेवड़ा खोल देवो कि भोजपुरी या तो बंद कर दीजिए ना तो कुछ लोगों पे दम यहाँ लगा दीजिए बैंड जी। कि अगर इस सोशल मीडिया पे अगर इस तरह का करोगे तो हम तुमको सरेआम 6 महीना जेल भेज दिया जाएगा, एकदम 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। अच्छा, ये होना चाहिए। जो लोग गंदा गाना गाएगा उसका क्या होगा? गंदा गाना वाला के तो यहाँ कितना के लंगा कर दिया गया, उतना की सोचना है। भोजपुरी में लोग जिस तरह से लाइव आकर तुरंत कोई किसी का गाना कॉपी नहीं करता है कि लाइव आकर उसकी माँ बहन को गाली देने लगता है। जैसा भाई ने भी कहा कि कोई कॉपी नहीं, भोजपुरी के सभी गाने में कॉपी राइट हो। हाँ, समीर चौधरी बोलो दावा ठोक के। सबसे पहले सोचिए आप लोग कि कोई अगर कला राइटर अगर गाना लिखता होगा जी तो ऐसे लिखता होगा यार कि काल्पनिक सोचता होगा ना, फलाना गाना को माइंड में रखते हो ना लिखता है तो कॉपीराइट हो लो ना यार। या कोई म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बना रहा है तो वैसे बना दे रहा है, कौन छिपा बजा कर बनाता है, कह रहे कुछ हो तो सोचता होगा तब ना लिखता है जी। वैसे भोजपुरी का जितना भी गाना है ना, हम उसमें से कोनो गाना हमको दे दीजिए, उसमें से हम एक दो का म्यूजिक जरूर कॉपीराइट उठा देंगे कि ये गाना का धुन यहाँ से मिल रहा है तो बोलने की क्या बात है। कॉपीराइट तो सब गाना, अभी खेसारी भैया का गाना लू ना रे, एक चुम्मा तो ले ले उधार ऐसे से। हाँ। वो गाना सुन ले है तू? हाँ। वो गाना हमारे बाबूजी जब जमान हो ले तखनी सुन ला थी ना, तो कही था तीन की देखा बोले के बात है नहीं। पवन सिंह का गाना देखिए आया है, उनका अपना लिरिक्स है, अपना राइटिंग है, और खुद का देखिए बॉलीवुड वाला के नचवा लोग भोजपुरी बोल के, बोलने का बात नहीं है आप भाई, बोलने का कोई बात नहीं, एकदम सही बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर गाना कॉपीराइटेड होता है, और वो वही कॉपीराइटेड नहीं होता जिसका अपना एक होता है जी। हाँ, अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी में जो है ये चीज बंद होगा कि नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा आपके हिसाब से क्या लगता है? लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं होता है, प्यार है, और प्यार में तनी मुनी आवाज होते रहता है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द प्रशासन इस पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो ये जो सोशल मीडिया पर आके तू यहाँ आके मिल ले हुआ मिल ले तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों के विवाद में आप प्रमोद प्रेमी को किस नजरिए से देखते हैं, क्या वो गलत है या फिर सही है? नहीं, प्रमोद प्रेमी जिस तरह से गाना गाए हैं, गाना तो चर्चा में है, तो भैया मान लीजिए कि जिस तरह से वो हमको बोलते हैं या फिर कि गाना किसी का आता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर लिखना चाहिए, ठीक है जी। तो यही चीज वहाँ हम आपके ऊपर लागू करते हैं कि आपको भी ऐसा करना चाहिए जी। अब बाकी गलत कोची है भैया, वो का किए बताइए, वो क्या गलत किए? किसी को तो हमारा ये नहीं ना कहे कि हाँ भाई तू हमारा गाना चुराइबे कि हम दावा ठोक रहे हैं लाइव आके कर रहे हैं भौंक रहे, ऐसा नहीं ना जी। ठीक है, बेवाकी में आदमी से कुछ निकला होगा, उसके लिए गिला से के बाद हम माफी मांगते हैं, लेकिन आप लोग लड़िए झगड़िए नहीं, हम ये बार बार कहते हैं। और अन्यथा अभी हम एक चीज तो बहुत हमारा गुस्सा बढ़ी तो भाई, ये जो स्ट्राइक मारामारी के चक्कर चली थो ना, ओकरा लगी समीर चौधरी पॉइंट में मुता देगा, याद रखिएगा जो भी ऐसा घटना कर रहे हैं, ये भाई को अगर दो रोटी आप खिलाने के औकात नहीं है तो इसको दो रोटी छीनने का भी आपको औकात नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मान लीजिए आप किसी का विवाद चला देते हैं, निगेटिव चलाते हैं, धर्म दम नहीं है अगला से बतियाबे के, बतियाइए ना अगला से है, तो आप क्या करते हैं कि एकर भाई मारवा देते चैनल पर स्ट्राइक, ये बेचारा गिर जाएगा। यही नहीं, ऐसे तमाम यूट्यूबर भाई को हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, बता दे रहे हैं कि स्ट्राइक वाला झंझट हटाइए, अन्यथा अतीक अहमद वाला हाल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बेरोजगार हो जाएगा ये, तो क्या करेगा फिर? बेरोजगार होने के बाद उग्रवाद ये ना बन जाएगा यार, है तुम देखेगा कि इतना मेरा सब्सक्राइबर फॉलोवर था गिरा दिया, अब वो रखेगा उठावेगा 3000 कट्टा लेके जाएगा सटाकर टपका देगा जी, चल जाओ हाथी गांड में बचा वाला कोई नहीं आएगा, दांतियार के हीरो बन जाओगे। ये होना नहीं चाहिए, हम तमाम लोगों को बोल रहे हैं, चेतावनी दिया जा रहा समीर चौधरी की तरफ से कि स्ट्राइक वाला झंझट हटाइए, अन्यथा स्ट्राइक वाला झंझट के चक्कर में ऐसा एगो झंझट आ जाएगा कि फिर कभी नहीं दिखोगे। अखिलेश कसम तो खुलियामे लाइव में कहते हैं कि अब खेसारी लाल के ऊपर जो भी विरोध में वीडियो बनाएगा सब पर स्ट्राइक जाएगा। देखिए स्ट्राइक जाएगा, आ स्ट्राइक मारना, देखिए बोलने में और करने में आसमान जमीन का फर्क है। अगर ऐसा है तो हम अखिलेश कश्यप जी को भी एक बात कहेंगे कि देखिए अखिलेश भैया एक चीज सुन लीजिए कि अगर आप गायकी क्षेत्र से लिखते हैं, अगर आपका लिखा हुआ पे कोई अगर किसी इधर उधर कुछ करता है आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? ऐसे अखिलेश कश्यप सब करने वालों में से नहीं यार, पागल हो? वो सब आदमी कितना को रोजगार देते, कितना गरीब गायक को गाना देते हैं यार, बोलने की क्या बात है इसमें? सही बात है। हाँ, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है अपना राय विचार कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, और वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।